आप देख रहे हैं द न्यूज रूम, मेरे यानी कविता सिंह के साथ। और आपको बता दें, दहेज उत्पीड़न का शिकार महिलाओं के लिए, बीवियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आज सर्वोच्च न्यायालय से सामने आई है, जिससे ये देखिए इन खबर में भी जगह मिली है। दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी ले सकेंगे अग्रिम जमानत, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अपने ही पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, और इसे पलटते हुए आरोपी पति और उसके परिवार को मिलने वाले सेफगार्ड्स को खत्म कर दिया गया है। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी जो कोर्ट कवर करते हैं, आशीष बहुत बड़ा फैसला है ये। देखिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अमूनन जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म, जाति या फिर किसी राजनीतिक वर्ग के लिए रहता है, लेकिन ये जो फैसला है ये पूरे देश को प्रभावित करेगा। क्योंकि 498 को लेकर जुलाई 2017 में जो आदर्श कुमार गोयल की जो बेंच थी, उन्होंने जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने एक सेफ्टी गाइडलाइन दी थी, जिसमें अगर कोई कंप्लेन फाइल होती है, जस्ट सपोज करिए आपने किसी के खिलाफ कंप्लेन फाइल की, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने हो चाहे वो पुलिस के सामने हो, अगर ऐसी कोई कंप्लेन फाइल होती है तो उसके लिए एक परिवार कल्याण समिति कोर्ट ने गठन करने का निर्देश दिया था सभी जिलों में। वो कंप्लेन पहले उस कमिटी के पास जाएगी, तब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, और कमिटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती थी। यहाँ पर पुलिस के हाथ कोर्ट ने बांध दिए थे, एक बड़ा सेफगार्ड यहाँ दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आरोपी पति और उसके परिवारों को काफी सेफगार्ड्स मिले थे, लेकिन अब वो फैसला पलट दिया गया है, ये नौबत क्यों आई आशीष? देखिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें ये कहा गया कि 498A का जो आत्मा थी, यानी जो महिला को शक्ति देती थी, महिला को जो उत्पीड़न, जो पहले से ही विक्टिम है, उसको मजबूत करती थी, उसके पास एकमात्र सहारा था, वो भी उससे छीन लिया गया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हथियार की धारी आपने कुंद कर रखी थी उनके हिसाब से, जो याचिका थी उसके हिसाब से यही बात थी कि वो उन्होंने हथियार की धारी को कुंद कर रखा था। कोर्ट ने कहा था मामले की सुनवाई के दौरान ही कि हमें दोनों में बैलेंस करना होगा, क्योंकि दोनों की यहाँ राइट्स हैं, दोनों के मौलिक अधिकार हैं, एक्यूज का भी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार विक्टिम का भी है। यानी कि उसी को बैलेंस करते हुए आशीष हम ये माने कि जो आरोपी पति है उसे अग्रिम जमानत का ऑप्शन भी दे दिया गया। देखिए अग्रिम जमानत का ऑप्शन नया नहीं है, अग्रिम जमानत का ऑप्शन जो है वो पहले से ही था, आईपीसी में हमेशा से ही अग्रिम जमानत का प्रावधान रहा है। अगर हम एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट छोड़ दें तो उसके अलावा हर जगह अग्रिम जमानत का प्रावधान है, लेकिन इस केस में यह था कि जो 2017 का जजमेंट था उसमें कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई पिटीशन फाइल करता है, बेल पिटीशन फाइल करता है, तो उसमें एक दिन के भीतर उसे नोटिस इशू करना पड़ेगा कोर्ट को, जो सरकारी वकील होंगे, और जल्द से जल्द मामले का निपटारा करना पड़ेगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें सारा अधिकार अब पुलिस के पास फिर से वापस चला गया है, यानी अगर पुलिस को यह लगता है कि हमें ए को गिरफ्तार करना है और हमारे पास सबूत है तो वो गिरफ्तार कर लेंगे। फैसला पढ़ते वक्त तो आशीष इसी बात का जज ने जिक्र भी किया था कि कुछ चीजें आपको पुलिस पर भी छोड़नी पड़ेगी, उनके विवेक पर भी छोड़नी पड़ेगी कि उन्हें किस तरीके से टैकल करना है। देखिए केंद्र सरकार की जो दलील थी, केंद्र सरकार और अमाइकस, इसमें इंदु मल्होत्रा थी, जो अब जस्टिस इंदु मल्होत्रा है सुप्रीम कोर्ट में, वो जज बन चुकी है, उन्होंने भी यही कहा था कि पुलिस का अधिकार है, इसलिए पुलिस के स्वविवेक पर इसे छोड़ देना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह कहा था कि यह संभव नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितनी परिवार कल्याण समिति बनाई जाए उनको मॉनिटर करना, तो इसलिए यह फैसला सही नहीं है कोर्ट का। आज कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस होगी, जो इस मामले की जांच करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट को लेकर, यानी गिरफ्तारी को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत गिरफ्तार करेगी। डीके बसु, अरनीश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल एक गाइडलाइन दी है जिसके तहत ही गिरफ्तारी होती है। अगर पुलिस के पास कोई शिकायत आती है तो पुलिस पहले जांच करती है, और अगर लगता है कि नहीं, इनको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन आशीष देश में इतनी बड़ी बहस छिड़ गई थी इसी बात को लेकर कि डाउरी लॉ को का मिसयूज हो रहा है, दहेज उत्पीड़न कानून के नाम पर महिलाएं ऐसी हैं जो पतियों को फांसती हैं, फंसाती हैं, शिकार बनाती हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि उन औरतों के राइट्स के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है जो खुद इसका शिकार हो रही है दहेज उत्पीड़न। देखिए पहले हमें 498A को समझना होगा। 498A कहता है क्रुएल्टी अगेंस्ट अ मैरिड वुमेन, जो उसके पति और उसके रिलेटिव करते हैं, यानी किसी शादीशुदा महिला का उत्पीड़न। लेकिन अगर उसे पीटा जाता है तो उसमें 307 सेक्शन और कई सारे आईपीसी की धाराएं जुड़ जाएंगी और उसके बाद उसके जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का था। जब 2017 में जो बात आपने कही कि जो फर्जी मामले होते हैं, जब वो डाटे सुप्रीम कोर्ट के पास रखे गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फर्जी मामले दर्ज होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन्हें कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने अपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि अगर कोई महिला
थाने में जाके रिपोर्ट कराती है तो वो उन लोगों के भी नाम ऐड करा देती है कभी कभी, ऐसा कुछ जो विदेश में बैठे होते हैं परिवार वाले, विदेश में होते हैं, या फिर कभी आपने देखा होगा कि पति ससुर सास नाना देवर सबका सबके नाम ऐड करा देती है। और ऐसे में क्या होता है कि सब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती है, इसीलिए कोर्ट ने वो सेफगार्ड दिया था। लेकिन वो सेफगार्ड हट चुका है, देखिए अब वो सेफ गार्ड हट गया है लेकिन पुलिस को जो काम करना है वो सुप्रीम कोर्ट के ले डाउन जो प्रिंसिपल ऑफ अरेस्ट है उसके तहत ही करेगी, पुलिस उसके अपार्ट नहीं जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि अग्रिम जमानत है, अगर आपको लगता है कि आप अरेस्ट हो सकते हो तो अग्रिम जमानत आप दाखिल कर सकते हो। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो कुछ चीजें बैलेंस है, क्योंकि पुलिस को भी ये कहा है कि भाई आप जैसे एट्रोसिटी एक्ट है, SC ST एट्रोसिटी एक्ट है, वहां पर आप डायरेक्ट गिरफ्तार करते हो, तुरंत जैसे ही कंप्लेन फाइल हुई यू हैव टू अरेस्ट देम, बट यहां जांच के बाद आप गिरफ्तार करोगे, तुरंत गिरफ्तार नहीं करोगे तो कोर्ट कैसे बैलेंस, कार्रवाई से बचना होगा और अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। हां, यहां पर कोर्ट ने इसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश की है और कोर्ट ने यही बोला है कि जो राज्य के डीजी होंगे, जो DGP होंगे, वो उन IOs को ट्रेनिंग देंगे जो 498A के जो मामले हैं जिनको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की DK बसु अरनेश कुमार में क्या फैसला था और अरेस्टिंग को लेकर क्या गाइडलाइंस है, उसके तहत ही वो काम करेंगे। आशीष, बहुत संक्षेप में आप, क्योंकि वक्त की कमी है, क्या बदलाव आप महसूस करते हैं इस फैसले के बाद? देखिए, इस फैसले के बाद ये होगा कि एक तो सेफगार्ड हट गया, अब जो विक्टिम्स हैं वो अब खुलकर सामने आएंगी, खुलकर अपनी जो शिकायतें हैं वो रखेंगी, लेकिन यहाँ पर जो पति के साइड है उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब उन्हें जमानत लेने के लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जी, यानी कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और इसी के साथ न्यूज़ रूम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि आप हमें जरूर फॉलो करें फेसबुक पर, ट्विटर पर और साथ ही साथ यूट्यूब पर, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जो खबर है, जो सबसे पहले आशीष आप ही ने ब्रेक की थी ये खबर देखें तो इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप देख सकते हैं इन खबर पर हमारे यूट्यूब चैनल पर, साथ ही आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं कविता_1 पर ट्विटर पर।